गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ में कुछ प्रॉब्लम जो था उसको डील करेंगे। सबसे पहले आप लोग को हम कल की क्लास में जो एक्सरसाइज सब्सट्रैक्ट जो एक्सरसाइज था उसमें सब्सट्रैक्ट था उसको हम बता चुके थे। आज की भी एक्सरसाइज में सब्सट्रैक्ट ही है, लेकिन कुछ अलग है। अब ये अलग क्या है इसी के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है बच्चों? तो चलिए, तो आज हम लोग उसी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं कि उसको किस तरह से डील किया जाता है। सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेकर क्या करेंगे समझेंगे। आप लोग भी अपना कॉपी पेंसिल वगैरह पेंसिल ले लीजिए। देखिए, हमने लिखा है क्या 75 और इधर लिखा है 18, इसको माइनस करना है बच्चों। अब आप लोग ये सोचिए कि 7 और 5 बड़ा है या 8 बड़ा है। 8 बड़ा है तो ये क्या माइनस होगा सीधा? नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें से पैंसा लेंगे। क्या लेते हैं हम लोग? एक पैसा लेते हैं। तो जब भी हम पैसा लेते हैं बच्चों, तो एक नहीं लेते हैं, एक दहाई लेते हैं, यानी कि 1/10 लेते हैं। ठीक है, 1/10 लेते हैं। तो 1/10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 15। यानी कि यहाँ पर हो गया कितना? 15 हो गया आप लोग का। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 7, है ना। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7। यहाँ कितना बच गया बच्चों? यहाँ देखिए, ये 1, यहाँ 7 था, 7 में से हम लोग 1 ले चुके थे, तो बचा कितना? यहाँ यहाँ बचा 6, और 6 में से 1 जाएगा 5। समझ में आया बच्चों? चलिए और कुछ हम लोग देखते हैं। फिर देखिए, कुछ उसी तरह से है बच्चों। अब बताइए कि 2 ज्यादा बड़ा है या 5 बड़ा है। तो देख रहे हैं कि 5 बड़ा हो जा रहा है, तो उसमें से क्या लेंगे? इधर बगल में से A1 पैसा लेंगे। 1 लेते हैं या 1/10 लेते हैं? कभी कोई पूछेगा कि 1 लेते हैं कि 1/10, तो 1/10 हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो 1/10 लेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा? 12। 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 7। यहाँ कितना बच गया? 6। 6 में से 2 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? 4, है ना। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब अगर इसको माइनस कीजिए, 3 बड़ा है या 8 बड़ा है? 8 बड़ा है ना बच्चों। तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, एक पैसा लेते हैं, जो ले लिए 13 हो गया। 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 5। यहाँ कितना बच गया? 6। तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे कि नीचे जो लिखा हुआ डिजिट है वो बड़ा हो गया है, तो उसके बगल से क्या करेंगे, कुछ पैसा ले लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला कितना है? 3 है। नीचे कितना है? 8 है। तो 8 क्या है? ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है, ऊपर क्या है? कम है। तो इस ऐसा स्थिति जब भी आए तो बगल में से क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे। अब पैसा लेकर 1/10 और उसके बाद माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे हम 1 पैसा लेते हैं तो उसके बगल वाला जो होता है वह कम जाता है, 1 कम जाता है ना। देखिए, 1 पैसा लिए तो 1 कम गया ना। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ भी देखिए वही हाल है ना। 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, 1 पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 12। तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ कितना है? ये 5 है ना, 5 है। यहाँ 4 हो गया ना, ये पैसा ले लिए तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आया? चलिए अब इसका डिजिट हम लोग बढ़ाते हैं, यानी कि अब 3 डिजिट में चलते हैं। अब हम लोग 3 डिजिट को देखेंगे, 5, 2, 8 है, और है 2, 4, 9। सेम उसी तरह से बच्चों, इसमें भी कुछ बड़ा नहीं करना है। देखना है कि सबसे पहले कि ऊपर बड़ा या नीचे। अगर ऊपर में बड़ा रहेगा बच्चों तो डायरेक्ट हट जाएगा, लेकिन अगर ऊपर छोटा हो गया नीचे बड़ा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा लेंगे। देख रहे हैं, 8 क्या हो गया है? 8 बड़ा हो गया, 8 छोटा हो गया है, और 9 बड़ा हो गया है यहाँ। तो 8 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो 1 पैसा ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 18। 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 9 बचेगा। यहाँ कितना हो गया? 1। तो 1 में से 4 जाएगा? नहीं जाएगा। तो 1 इसमें से पैसा ले लेंगे, कितना हो गया? 12। तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा।
यहाँ 12 नहीं ना हो गया, यहाँ क्या हो गया, 1 पैसा ले चुके थे, यहाँ 11 हो गया, तो 11 में सब हो जाएगा, कितना बचेगा, 7, यहाँ कितना हो गया, यहाँ आप लोग का हो गया 4, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है, आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, देखें थोड़ा सा मिस्टेक होता है, गलत हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा कि इसमें से हम जब हम लोग ले लिए थे, यहाँ कितना हो गया है, 11 हो गया था, है ना, भले ही यहाँ 2 दिखने में लग रहा हो, 12 दिखने में, लेकिन 12 ये वैल्यू नहीं है इसका, इसका वैल्यू कितना है, 11 है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कि है, कुछ इस तरह से है, तो 2 बड़ा है या 6 बड़ा है, देख रहे हैं कि 2 छोटा हो जा रहा है, 6 बड़ा हो जा रहा है, तो 1 पैसा ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 6, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया आप लोग का 7, तो 7 में से 5 जाएगा, पहले देखिए 7 बड़ा है या 5 बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो डायरेक्ट घट जाएगा, पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है हम लोग को, डायरेक्ट घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना बच गया बच्चों, यहाँ बच गया आप लोग का 9, क्योंकि 9 ही तो रह गया, हम लोग तो पैसा लिए नहीं इसमें से, पैसा नहीं ना लिए हैं, तो 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ पर जाता था। चलिए और कुछ ले लेते एग्जाम्पल, अच्छा इसमें 9 बड़ा है या 8 बड़ा है, देखिए जब भी ऊपर बड़ा हो जाए तो डायरेक्ट घटा देंगे, 9 में से 8 जाएगा 1, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया, ऊपर छोटा हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, बगल वाले से 1 पैसा ले लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 16, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7, यहाँ क्या हो गया बच्चों, 1 कम गया ना, तो 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 4, समझ में आ रहा है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लीजिए ये है आप लोग का, तो 1 पैसा, यहाँ 2 बड़ा या 5 बड़ा है, देख रहे हैं कि 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा हो जा रहा है, तो 5 बड़ा है, तो इसमें से 1 पैसा ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 7, 1 पैसा ले चुके हैं ना, तो यहाँ बच गया कितना, 5, 5 में से 0 जाएगा, तो कितना, अच्छा 5 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 5 ही, यानी कि किसी भी संख्या में 0 को घटाते हैं तो वो वही संख्या प्राप्त होती है ना हम लोग को, यहाँ कितना बच गया बच्चों, पैसा लिए हैं हम लोग इसमें, नहीं ना लिए हैं, ये तो डायरेक्ट घट गया था, तो पैसा लिए नहीं, तो ये तो 7 का 7 रह गया है, तो 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 5, ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरह से आप लोग को बनाना है, आज हम होमवर्क जो देंगे वो आप लोग को इसी पे से नोट करना होगा, आज बुक से नहीं रहेगा, बुक से हटके रहेगा, ओके बच्चों। चलिए आप लोग कॉपी कलम, आप कॉपी निकाल लीजिए और होमवर्क ढंग से लिखना स्टार्ट कीजिए, साफ साफ लिखिएगा होमवर्क, ओके बच्चों, होमवर्क नोट की, चलिए बच्चों आप लोग होमवर्क नोट कीजिए, सबस्ट्रैक्ट है, माइनस करना है आप लोग को, साफ साफ लिखिएगा और दूर दूर लिखिएगा ताकि स्पष्ट पता चल सके, ठीक है, एक लाइन में कितने बच्चे लिखे, हम पहले भी हमेशा बोलते थे एक लाइन में कितने मैथ लिखना चाहिए, मात्र 2 ही, आप लोग को एक लाइन में 2 ही मैथ लिखना है, ठीक है, कितने मैथ लिखने हैं, 2, ताकि देखने में क्या लगे, सुंदर लगे, साफ लगे, एक लाइन में मात्र 2 ही मैथ लिखना है। वीडियो भागने लगे बच्चे तो वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक कर काम कीजिएगा, नोट कीजिए, साफ साफ बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा, नोट किए। चलिए अब हम ऊपर से एक दो क्वेश्चन मिटा रहे हैं, नोट कर लिए है ना, मिटा रहे हैं, चलिए देखिए, आज हमने आप लोग आपको लोग को बच्चों 6 मैथ दिए हैं, ठीक है, इस 6 मैथ को आप लोग क्या कीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, ढंग से बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा ना, बना लीजिएगा और साफ साफ लिखिएगा बच्चों और दूर दूर, ठीक है, तो होमवर्क में आज आप लोग का क्या हो गया,
होमवर्क में आप लोग का ये हो गया सब्सट्रैक्ट मेक करने के लिए, है ना। होमवर्क में मैथ का होमवर्क में आप लोग का हो गया क्या आज के, उसमें सब्सट्रैक्ट मेक लिखिएगा क्योंकि आज बुक से नहीं कुछ हट कर दिए हैं। ठीक है, ओके बच्चों।